एवरीवन, मैं हूँ प्रिंस देसी प्रोग्रामर से और स्वागत है आप सबका टिंकर के एक और नई वीडियो में, जहां पर हम बनाने वाले हैं अपना एक सिंपल सा प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। तो प्रोजेक्ट काफ़ी सिंपल है, हमें पता है हमें क्या करना है। एक विंडो होना चाहिए जहाँ पर एक प्रोग्रेस बार होना चाहिए, एक बटन होना चाहिए और एक लेबल होना चाहिए। बटन को हमें 5 बार क्लिक करना है। हर बार जब बटन को क्लिक किया जाएगा, लेबल में कुछ दिखाना चाहिए कि हाँ बटन को इतनी बार क्लिक किया गया है, और साथ में प्रोग्रेस बार को स्विच करना होगा उतनी बार। तो बस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना GUI बना देते हैं, यानी कि जो हमारा लुक एंड फील होने वाला उसे हम कोड कर लेते हैं, और फिर हम बैकएंड को कोड करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक प्रोग्रेस बार, तो पीजी बार इज इक्वल टू प्रोग्रेस बार। बाय द वे, ये बस एक वेरिएबल नेम है, पीजी बार आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये रूट में होने वाला है, ठीक है। मोड जो इसका होगा वो रहेगा डिटर्मिनेट, क्योंकि इनडिटर्मिनेट नहीं है। मैक्स वैल्यू यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ 5। लेंथ हम रखने वाले हैं यहाँ पे 200। जो पहले की वैल्यू है वो मैं 0 रखने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं वैल्यू के साथ काम नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे एक दूसरा फॉर्म, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम वेरिएबल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स को यूज़ करने वाले हैं। तो मैं लिखने वाला हूँ वेरिएबल इज इक्वल टू, नॉट कैपिटल वी, सॉरी, इट्स वेरिएबल इज इक्वल टू, अब हमारा वेरिएबल का नेम सपोज ये है वार। अब वार नाम का वेरिएबल तो मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वार इज इक्वल टू एक इंट वार, एक इंट वेरिएबल, और वार को एक डिफॉल्ट वैल्यू भी दे देते हैं ताकि प्रोग्रेस वार में पहले से कुछ ना दिखे, जो कि अभी फिलहाल 0। तो बाई डिफॉल्ट जो हमारा वेरिएबल है वो 0 है। लेंथ है मैक्सिमम है, और एक सेकेंड, मैक्सिमम इज नॉट मैक्स, इट्स मैक्सिमम। और एक और चाहिए हमें, वो है ओरिएंट, और ओरिएंट यहाँ पे रहेगा हॉरिजॉन्टल, इट्स नॉट वर्टिकल। तो फिलहाल और इसे हम पैक कर लेते हैं, पैक ज्योमेट्री स्पेसिफायर से। तो पीजी बार डॉट पैक, यहाँ पे मैं वाई में थोड़ी सी पैडिंग देना चाहूँगा, इट्स लाइक लेट्स से 40, सेव कर लेते हैं और इसे हम रन करा के देखते हैं हमें क्या आउटपुट दिख रहा है। तो पाइथन स्पेस बटन, इमेज नहीं, बटन प्रोग्रेस डॉट पाई, ये फाइल जो मैंने क्रिएट किया है, तो एंटर करते हैं और ठीक है, हमें एक प्रोग्रेस बार दिख रहा है जहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू नहीं है। अब हमें चाहिए एक बटन, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ पीजी बार, नॉट इट्स नॉट पीजी बार, इट्स एक्चुअली BTN इज इक्वल टू बटन। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं जो अभी बटन यूज़ कर रहा हूँ, तो आपने पहले जो भी पढ़ा बटन के बारे में, यहाँ पर वो यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर टिंकर डॉट टी टी के से सब कुछ इम्पोर्ट किया है। तो ये बटन अब टी टी के बटन एक टिंकर थीम्ड विजिट का बटन है। तो जो सिंपल आर्गुमेंट्स है, जो सिंपल पैरामीटर्स यहाँ पर हम पास करते थे अपने टिंकर बटन, वो यहाँ पे सारे पास नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहो इस कोड के साथ, और आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप हाइट चेंज करें, विड्थ चेंज करें, फॉन्ट चेंज करें, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा लाइन ऐड कर लेंगे जो कि होगा टिंकर डॉट बटन, ताकि आप और फर्दर कस्टमाइजेशन कर सके। लेकिन चूंकि मुझे बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं करनी, मैं इतने के साथ आगे बढ़ूंगा। ये रूट में होना चाहिए, इस पर जो टेक्स्ट है वो रहेगा क्लिक मी 5 times, और बाकी मुझे यहाँ पे एक और कमांड चाहिए, तो कमांड रहेगा CLICKED क्लिक्ड, और बटन को मुझे पैक करना है, तो बटन डॉट पैक, इसे मैं पैडिंग दे दूंगा वाई के रेस्पेक्ट में, ज़्यादा नहीं, इट्स जस्ट से 20, सेव कर लेते हैं, रन कराते हैं। तो इट्स जस्ट क्लिक इज नॉट डिफाइंड, कम ऑन, ठीक है, डिफाइन कर लेते हैं क्लिक्ड को। तो डिफाइन क्लिक्ड, और कुछ नहीं यहाँ पे कोड, हम बस पास लिखते हैं। तो बस अब देखते हैं ये रन कर रहा है। तो ये रहा हमारा प्रोग्रेस बार, और यहाँ पर एक बटन है क्लिक मी 5 times, जिस पर ऑफकोर्स क्लिक करने में कुछ नहीं हो रहा है। एक और जो है कॉम्पोनेंट जो कि हम यहाँ पे चाहते हैं, और वो है एक लेबल। तो मैं यहाँ पे लिख लेना चाहता हूँ एक LBL इज इक्वल टू एक लेबल, और तो लेबल के पैरामीटर सबसे पहले तो ये रूट विंडो में है, बिल्कुल सही, डिफॉल्ट टेक्स्ट यहाँ पे कुछ नहीं होगा, उसको मैं छोड़ देता हूँ। बस मैं यहाँ पे फॉन्ट थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको वो दिखे, तो कंसोलस और 16, ऑफ कोर्स कोई भी रैंडम, ऐसा कुछ यहाँ पे कंपलसरी नहीं कि आपको यही लेना है। LBL डॉट पैक फिलहाल, तो रन करते हैं फिर से, कोई एरर नहीं है, बट ऑफ कोर्स हमें लेबल नहीं दिख रहा है, प्रोग्रेस पर काम नहीं कर रहा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने अब तक अपना जो बैकएंड है एक तरह का, वो हमने कोड नहीं किया है। तो कर लेते हैं, मैं बस इस सी को थोड़ा बड़ा कर दूँ। तो अब क्लिक के पास हम आते हैं, यहाँ पर अपना काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि बटन को कितनी बार प्रेस किया गया, जब भी बटन को प्रेस किया जाए प्रोग्रेस बार को बढ़ाना है, लेबल के टेक्स्ट को चेंज करना है, बस 2-4 काम है। तो सबसे पहले हमें एक वैल्यू चाहिए जो कि ये बताएगा कि बटन को कितनी बार प्रेस किया गया। साथ में यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि ये PGBR जो है यहाँ पे
जब हम एक वेरिएबल को यूज़ करेंगे, तो इस वेरिएबल को अपने पूरे प्रोग्राम में जब भी चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो बस हमें इस वेरिएबल को सेट करना और प्रोग्रेस बार अपना काम कर लेगा। फाइन, तो हमें यहाँ पर चाहिए एक वैल्यू जिसके साथ हम काम कर सके, ठीक है। तो और ये वैल्यू बाई डिफ़ॉल्ट जीरो होनी चाहिए, तो हम बाई डिफ़ॉल्ट इस वैल्यू को जीरो कर दे रहे हैं, वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। और इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ग्लोबल वैल को यूज़ करके। इसके बाद है हमें कि इफ़ हमें चेक करना है कि ये वैल्यू कितनी है। तो इफ़ दिस वैल्यू इज़ लेस देन 5, यानी कि अगर बटन को 5 से कम बार प्रेस किया गया, ऑफकोर्स ये वैल्यू बटन क्लिक को डिपेंड करेगी। तो अगर वैल्यू 5 से कम है, यानी कि जब तक बटन को हमें प्रेस करना है, हम क्या करेंगे, पहले हम वैल्यू को एक बढ़ा देंगे, वैल्यू इज इक्वल टू कम ऑन नॉट कैपिटल वी वैल प्लस 1। इसके बाद हमें करना क्या है, दो काम करना था। सबसे पहले वेरिएबल को यहाँ पे चेंज करना है, तो वार डॉट सेट जो हमारा वेरिएबल था उसे सेट कर देंगे इस वैल्यू की वैल्यू से। उसके बाद हमें लेबल को चेंज करना है, तो एल बी एल लेबल डॉट कन्फिग, यहाँ पे हम इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं चेंज करने के लिए। ऑल दो हम सब जानते हैं कि बहुत सारे मेथड्स हैं, एटलीस्ट 2-3 तो हैं अलग अलग जिनको हम यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट सिंपल्स डालना चाहता हूँ, प्रेस्ड स्पेस, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाएगा प्रेस्ड 1 टाइम्स आउट ऑफ 5, 2 टाइम्स आउट ऑफ 5 वो होना चाहिए। तो स्ट्रिंग कॉन्कैटनेशन के लिए जो वैल है, जो कि फिलहाल अभी एक इंटीजर है, हमें यूज उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग ऑफ वैल फिर अगेन प्लस, तो हो जाएगा प्रेस्ड 1, अब आउट ऑफ के लिए स्पेस आउट ऑफ 5 टाइम्स, सेव कर लेते हैं इसे। और ये हमारा कोड हो गया कि जब तक ये 5 से कम हो तब तक क्या करना है। एक एल्स ब्लॉक होगा जो कि ये कहेगा कि भैया ये 5 से ज़्यादा हो गया, यहाँ पे हमें क्या करना है, मैसेज बॉक्स को यूज़ करके एक मैसेज देना है कि यार ये बहुत ज़्यादा हो गया, अब बस बंद करो, मतलब कि 5 से ज़्यादा बार हो गया है। तो अल्ट शिफ्ट स्लैश और ये रहेगा एम एस जी बॉक्स, और एल्स में एक मैसेज बॉक्स जो कि रहेगा एम एस जी बॉक्स डॉट एस एच आई, ये शॉर्टकट्स है, एस एच आई सो इन्फो आ गया। तो एक्चुअली हम सॉफ्ट सो वार्निंग भी यूज़ कर सकते हैं, कम ऑन सो वार्निंग ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये रहेगा एक वार्निंग, और वार्निंग में मैसेज कुछ भी रह सकता है, आई विल से यू प्रेस्ड 5 टाइम्स। फाइन, सो मेरे ख्याल से थोड़ी इंग्लिश ग्रामर को भी सही कर लेते हैं, यू ऑलरेडी प्रेस्ड 5 टाइम्स। कोड को रन करते हैं और देखते अब तक हमने क्या किया, क्लिक में 5 टाइम्स, ओके। तो प्रोग्रेस बार बढ़ गया, प्रेस्ड 1 आउट ऑफ 5 टाइम्स, बहुत अच्छा, 2 आउट ऑफ 5 टाइम्स, 3 आउट ऑफ 5 टाइम्स, 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स, 5 आउट ऑफ 5 टाइम्स, बहुत सही। चलो ठीक है, फिर से प्रेस करते हैं, यू ऑलरेडी प्रेस 5 टाइम्स, ओके। तो सिंपल सा प्रोजेक्ट था, बहुत ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया है, बस हमने 2-3 अलग अलग विजेट्स को एक साथ यूज़ किया और कुछ ऐसा बना दिया। ये एक छोटा सा पार्ट है जो कि किसी बड़े प्रोग्राम में हम यूज कर सकते हैं, और हम यूज करेंगे इस चीज़ को, आपको मैं दिखाने वाला हूँ एक बड़े से प्रोजेक्ट में जिसका ये एक बहुत छोटा सा पार्ट होगा। तो बस फिलहाल मिलते हैं आपसे जल्दी दूसरी वीडियो में।